बिहार बंगाल समेत देश के 9 राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। पटना की बात कर ले तो पारा 45 डिग्री के पार हो चुका है। गर्मी बेहद ज़्यादा है। स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में हम आ पहुँचे पटना के चांदनी मार्केट में और यहाँ कूलर पंखे और एसी वगैरह की बिक्री बहुत ज़्यादा है। कस्टमर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हम इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा बिक्री किस चीज़ की हो रही है और साथ ही साथ क्या इस सीज़न में जो हीट वेव चल रहा है वो क्या बिक रहा है इसमें सबसे ज़्यादा। देखिए कुछ हमारे जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो लोग भी मौजूद हैं हम लेकिन यहाँ के कस्टमर से जाने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बिक्री हो रही है। क्या खरीदने आए हैं आप? हम पंखा खरीदने आए हैं मैम। हाँ, पंखा में स्टैंड फैन खरीदने आए हैं और जो आजकल फ्राटा ज़्यादा बिक रही है उसी की ज़्यादा हवा वेस्ट है, इसी को खरीदने आए हैं। अच्छा, आप क्या खरीदने आए हैं? देख रहे हैं कि आप पंखे की तरफ देख रहे हैं। स्टैंड फैन सर। अच्छा, स्टैंड फैन। हाँ, कितने पीस लेंगे? एक पीस खरीदेंगे। तो देखिए कि किस तरह से जो कस्टमर हैं लगातार आ रहे हैं और उन लोग का जो डिमांड है पंखा अपने पॉकेट के हिसाब से लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ पंखे की भी ख़रीदारी कर रहे हैं, कुछ कूलर की भी ख़रीदारी कर रहे हैं। हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर कौन से चीज़ें इस बार इस गर्मी में चूँकि हीट वेव चल रहा है मैम तो सबसे ज़्यादा इस दुकान में किस चीज़ की बिक्री ज़्यादा हो रही है? अभी तो जैसे ऑलमोस्ट पंखा कूलर एसी का भी लोग डिमांड कर रहे हैं, ये सब। अच्छा मैम, ये बताइए कि कूलर कितनी की संख्या में एक दिन में बिक जाते हैं पहले के? वो तो हम 8-10। और किस रेंज में? 6.5 से स्टार्टिंग है। 20,000 हर तरह का ब्रांड, मल्टी ब्रांड हम लोग रखते हैं, हर कुछ रखते, देख ही रही हैं, हर कुछ रखा हुआ है शॉप में, तो जिसकी जो डिमांड है उस हिसाब से हम लोग। अच्छा मैम, जो मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए लोग अपने पॉकेट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लोग भी जो लॉज लेके रह रहे हैं वो लोग भी खरीदने की कोशिश करते, तो उन लोग की पॉकेट के हिसाब से क्या रेंज होगा? उन लोग के पॉकेट के हिसाब से हम लोग रेंज एकदम मिनिमल रखते हैं जो रखना चाहिए। कल एक स्टूडेंट आए थे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया तो उनको कम करके हम सोचे स्टूडेंट हैं अपनी तरफ से। हम तो मिनिमम रेंज क्या है? मिनिमम वैसे 3 के पंखाओं का 2-3 हज़ार लोकल में, और ब्रांड का तो MRP जो देता है कंपनी उससे हम लोग अलग हट के देते हैं। अच्छा तो, लोग पंखा ज़्यादा खरीदने आ रहे हैं या फिर कूलर? पहले तो पंखा खरीद रहे थे, अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है तो कूलर की ओर भाग रहे हैं, उसके बाद फिर एसी का डिमांड कर रहे हैं, यही सब है। तो इस हिसाब से देखिए कि और भी कस्टमर हम इनसे भी जानते हैं कि आप लोग क्या खरीदने आए हैं। मैं यहाँ पर आया था इन्वर्टर के लिए, कुछ मतलब मशीन एंड लेने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि यहाँ पर लाइट का दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है पटना के अंदर। मतलब कल रात में भी इतना डिस्टर्बेंस हुआ है लाइट का कि हर आधे घंटे पे लाइट कट रही है, डेढ़ घंटा लाइट कट कर, तो इससे इन्वर्टर के लिए जो भी सेटअप होते हैं वो सारा मैं परचेज करने के लिए आया हूं। तो देखिए कि अलग अलग डिमांड ले करके लोग यहाँ मौजूद हैं और ख़रीदारी करने आ रहे। कुछ लोग पंखे की बात कर रहे हैं तो कुछ कूलर, ज़्यादातर लोग कूलर ही खरीद रहे हैं चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी से राहत के लिए पंखा कूलर के साथ साथ आपने सुना कि जो कस्टमर हमारे पास मौजूद हैं वो इन्वर्टर की भी बात कर रहे हैं चूँकि लाइट बहुत ज़्यादा कटता है और रात में राहत भरी नींद ना हो तो सुबह ऑफिस जाने में दिक्कत होती है, जो स्टूडेंट्स स्कूल जाने वाले होते हैं उन्हें परेशानियां होती है। साथ ही साथ कूलर के साथ साथ एसी के भी डिमांड अब बढ़ गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप एसी की ख़रीदारी की ओर लोग बढ़ रहे हैं। फिलहाल कितना ही बन रहे कसेशन के साथ पटना संकेत की रिपोर्ट।